पार्नी साहब ने रखी है, जिसने जिन्होंने बताया कि आर्टिकल 19, 20, 21 और 22 के अंदर हमें राइट टू फ्रीडम दिया गया, हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी भावनाओं को। लेकिन साथियों, आज राइट टू फ्रीडम के नाम पर क्या हो रहा है ये सबको मालूम, राइट टू इक्वलिटी के नाम पर क्या हो रहा है सबको मालूम है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि राइट टू इक्वलिटी, शायद मैं इससे पहले कि उस बात पे आऊं, एक बात कोट करूंगा बाबा साहब अंबेडकर की, कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये संविधान तो बना के हम दे रहे हैं, लेकिन अगर इस संविधान को नाफिस नहीं किया गया, इसको पूरे प्रॉपर ढंग से लागू नहीं किया गया, तो मैं वो पहला शख्स होऊंगा जो संविधान की प्रतियां, जो ओरिजिनल प्रतियां हैं, उसको जलाकर राख कर दूंगा। ये मेरा कहना नहीं है, वो बाबा साहब अंबेडकर का कहना है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा बाबा साहब ने कि बाबा साहब को मालूम था कि हमारा पास क्या है, उनको मालूम था।